नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का आपके अपने यूट्यूब न्यूज चैनल क्लीन न्यूज यूपी में। आप जान सकेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के तमाम छोटे एवं बड़े खबरों को। तो न्यूज के अंत तक बने रहें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप यूपी के किस जिले से हैं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। चलिए डालते हैं यूपी पंचायत चुनाव पर एक नजर। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कसी कमर, बैठकों का दौर शुरू। जी हां, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के चुनाव के लिए सियासी दल वोटों की गणित के हिसाब से उम्मीदवारों की तलाश में कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाने में लग गए हैं। यूपी पंचायत चुनाव में जल्द खत्म होगा आरक्षण का इंतजार। जी हां, जारी हो गया शासनादेश। पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर हो रहा इंतजार जल्द खत्म होगा। शासन ने पंचायती राज विभाग से ग्राम पंचायतों की जनसंख्या की वर्गवार जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक इस सप्ताह में आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी हो सकता है। यूपी पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, खालिस्तानी आतंकी को किया गिरफ्तार। जी हां, पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने सोमवार दोपहर को पंजाब से लखीमपुर के रास्तों से लखनऊ जा रहे जगदीप सिंह जग्गा को सचिवालय चौराहा सेक्टर सी जानकीपुरम से गिरफ्तार कर लिया है। MMMUT के दीक्षांत समारोह में आज प्राथमिक विद्यालय के 30 छात्रों से मिलेंगे राज्यपाल। जी हां, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज होगा। इस समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। वह प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 30 छात्रों से मुलाकात करेंगी। इसमें से 15 छात्र गाँव के स्कूल से रहेंगे। कुलाधिपति 5 निराश्रित बच्चों से भी मुलाकात करेंगी। धनीपुर में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने की खारिज। जी हां, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ही याचिका वापस लेने का अनुरोध किया था। सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने यह आदेश पारित किया। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज। जी हां, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। SC ने कहा, ज्यादा बहस करेंगे तो जुर्माना लगा देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। जी हां, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सीएम योगी की महत्वाकांक्षी योजना है। 340 किलोमीटर लंबी परियोजना के तहत लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक 6 लेन की सड़क का निर्माण होना था, अब इसे बढ़ाकर बालिया तक कर दिया गया है। चलिए डालते हैं कोरोना पर एक नजर। यूपी में निकला कोरोना का दम, लखनऊ में नए संक्रमित 20 से कम। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में अब संक्रमण मुक्त होने के कगार पर यूपी के 32 जिलों में 24 घंटों में नहीं मिला कोई नया संक्रमित। 700 सक्रिय मरीज रह गए लखनऊ में 6 महीने बाद डिस्चार्ज हुए एक दिन में 406 मरीज। उत्तराखंड आपदा के बाद लापता हुए लखीमपुर खीरी के कई मजदूर पता लगाने में जुटी प्रशासन। जी हां, चमोली में हादसे के बाद लखीमपुर जिले से 34 लोगों के लापता होने की खबर है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक लापता हुए लोगों की संख्या 50 बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने लापता लोगों की तलाश के लिए कवायद शुरू कर दी है। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के भी कई युवक लापता है। प्रशासन लापता लोगों का पता लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार से संपर्क कर रही है। यूपी में सभी शिक्षा बोर्डों के आवासीय विद्यालय आज से खुल जाएंगे। जी हां, प्रदेश सरकार ने राज्य में संचालित सभी शिक्षा बोर्ड के कक्षा 9 से 12वीं तक के आवासीय विद्यालयों को आज 9 फरवरी से पूरी तरह खोलने की इजाजत दे दी है। उत्तराखंड जल प्रलय में अब तक 202 लोग लापता। NDRF और ITBP के जवान खोजबीन में जुटे। खबर है नई दिल्ली से। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद मची तबाही में कई लोग लापता हो गए। इस हादसे में करीब 202 लोग के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही आर्मी, ITBP और NDRF की टीमों ने जवान तपोवन टनल में घुस गए हैं। ममता ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा 2.5 लाख किसानों को नहीं मिली पीएम किसान निधि। केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य की जनता को न देने का आरोप लगाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने 2.5 लाख किसानों के नाम पीएम सम्मान निधि योजना के लिए भेजे थे। हम जानना चाहते हैं कि इन्हें अब तक कोई नगद राशि का लाभ नहीं मिल रहा है। पीएम के बयान पर कांग्रेस ने पूछा सवाल, आखिर लिखित में क्यों नहीं दे रहे MSP की गारंटी।
कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में दिए भाषण के बाद सोमवार को उन पर किसानों एवं देश के लोगों के साथ विश्वघात करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक तकरीर की लेकिन समस्या के समाधान को लेकर कोई बात नहीं की। कांग्रेस ने पीएम से पूछा कि वे लिखित में एमएसपी की गारंटी किस लिए नहीं दे रहे हैं। देशभक्ति पर सवाल, उद्धव सरकार खुफिया विभाग से कराएगी लता, सचिन और विराट के ट्वीट की जांच। कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ट्वीट की जांच महाराष्ट्र सरकार खुफिया विभाग से कराएगी। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दिए। उद्धव सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार और अजय देवगन की ओर से किए गए ट्वीट की जाँच के आदेश दिए हैं। पीएम किसान निधि योजना के बदले नियम। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में पीएम किसान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के 11.53 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन 33 लाख खातों में से का गलत ट्रांसफर होने के बाद अब इस योजना के नियम में बदलाव किया गया है। बता दें कि पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में एक वर्ष में 3 किस्तों में 2,000 रुपये ट्रांसफर किया जाते हैं। इस तहत से एक साल में पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये का लाभ मिल रहा है। महंगे हो सकते एलईडी बल्ब, कस्टम ड्यूटी बढ़ने से कंपनियों की बड़ी मुश्किलें। पंत को आईसीसी से मिला बड़ा सम्मान, दो दिग्गजों को पछाड़ कर जीता या खिताब। भारतीय क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 97 रन की पारी और ब्रिटेन में 89 रन की मैच जिताओ पारी खेली थी। उनके इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से टेस्ट जीती। कांग्रेस के इस नेता का क्यों सम्मान करते प्रधानमंत्री मोदी, भरे सदन में किया खुलासा। नए कृषि कानून को लेकर विपक्षी पार्टी जहां केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के एक नेता की खुलकर तारीफ की है। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में पीएम मोदी ने पार्टी नेतृत्व को लेकर जारी कांग्रेस के आंतरिक झगड़े पर चुटकी ली। सोमवार को सदन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद की भी खुलकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद है जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के सफल चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, नई एफडीआई से देश को बचाना जरूरी, परजीवी आंदोलन जीवियों की करे पहचान। बजट 2021 और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के विरोधी रुख और सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली त्रासदी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पूरा विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा, शायद किसी ने ऐसा सोचा होगा कि इंसानों को इस परिस्थितियों से भी गुजरना होगा। खत्म हो सकती एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी, चुकानी पड़ेगी ज्यादा कीमत। गरीब परिवारों के पॉकेट का बोझ हल्का करने के लिए सरकार की ओर से एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है, मगर अब जल्द ये खत्म हो सकता है। दरअसल राजकीय कोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम करने के लिए सरकार इसकी योजना बना रही है। पाकिस्तान में कितना बुरा है हिंदू मंदिरों का हाल, इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। भारत में अक्सर अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की हालत को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में हुए खुलासे के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की हालत बेहद खराब है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आयोग बनाया गया था उसी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। यानी पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को लेकर जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी अब उन पर मुहर लग गई है। किताबों को क्वालिटी बढ़ाने 90% ब्राइटनेस वाला कागज इस्तेमाल करेगा पाठ्य पुस्तक निगम। शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को उत्कृष्ट सामग्री की पुस्तक मिल सके, इसलिए पाठ्य पुस्तक निगम के जिम्मेदारों ने कवायद शुरू कर दी है। पाठ्य पुस्तक निगम के पदाधिकारियों से मिली जानकारी, छात्रों की पुस्तक पारदर्शी रहे और उसे पढ़ने में आंखों का जोर न लगाने पड़े, इसलिए पापुली ने कागज की क्वालिटी बढ़ाई है। परीक्षा केंद्र में ड्यूटी में लापरवाही बढ़ती तो विभागीय कार्रवाई तय। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतना कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कार्मिक विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, DGP, सभी उपायुक्त और सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी परीक्षा के दौरान अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। 11 माह बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, थर्मल स्क्रीनिंग कर विद्यालय में मिला प्रवेश।
सरकारी निर्देश पर बीते करीब 11 माह के बाद वर्ग 6 से 8 तक के कक्षा का संचालन शुरू कर दिया। हालांकि निर्देश तो मिला पर व्यवस्था की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधक को दे दी गई है। सभी इंतजाम विद्यालय प्रबंधक कर रहा, कहीं कहीं पहले दिन विद्यालय में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। हंसराज दुबे बोले, रोजगार दिलाने में नाकाम सरकार, ले रहे झूठ का सहारा। खबर है लखनऊ से। युवाओं को रोजगार दिलाने में नाकाम उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामी छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेने लगे हैं। एक तरफ प्रदेश के युवा नौकरी के लिए डर डर भटक रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार विज्ञापनों के जरिए उन्हें रोजगार देने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इसमें पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश अधीन से सेवा चयन आयोग में नियुक्तियों के संबंध में उसका झूठ एक RTI के जरिए सामने आया है। ये बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कही। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।